नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, लखनऊ में रायबरेली रोड पर प्रैक्टिस करता हूँ। सो मेरी मेन स्पेशलिटी एंडोक्रीन में डायबिटीज, थायराइड एवं अन हार्मोन डिसऑर्डर्स हैं। सो आज हम जो चर्चा करेंगे डायबिटीज की बीमारी के बारे में। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब डायबिटीज पहली बार पता लगती है तो हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, पेशेंट की फैमिली कैसे रिएक्ट करती है। सबसे अहम बात ये होती है, जब किसी को डायबिटीज पता लगती है तो पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं होता, पेशेंट नहीं एक्सेप्ट करता है, फिर उसकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती कि डायबिटीज सच में हो गई है। कई बार वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, सेकंड रिपोर्ट गलत है। तो यहाँ पे हम लोगों को फैमिली के बारे में जिक्र करना है कि फैमिली कैसे उसको एक्सेप्ट करे डायबिटीज हो गई है, और वो कैसे पेशेंट के साथ रिएक्ट करे जिससे कि पेशेंट को किसी प्रकार का डिप्रेशन या हीन भावना नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग बताएंगे कि डायबिटीज की डायग्नोसिस, देखिए आपकी हो गई है, शुगर दोनों बढ़े हुए हैं, फास्टिंग पीपी बढ़ी है, 3 महीने का एवरेज HbA1c बढ़ा हुआ है, यूरिन में शुगर आ रही है, पेशेंट को सिम्टम्स हैं, तो ये सब चीजें डायबिटीज को इंगित कर रहे हैं। तो पेशेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या उसकी फैमिली को डायबिटीज है। तो अब पेशेंट जब एक्सेप्ट कर लिया डायबिटीज है तो उसका मैनेजमेंट शुरू होता है। तो अब फैमिली का क्या रोल है उसके मैनेजमेंट में? तो सबसे पहले कि फैमिली पेशेंट को सपोर्ट करेगी, वो डॉक्टर के यहाँ जाके कंसल्टेशन करे प्रॉपर टाइम पे। फिर घर में एक इस तरह से माहौल हो कि जो खाने के बारे में बताया जाता है हेल्दी फूड, वो ही ज्यादातर कुक किया जाए। वो हेल्दी फूड सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो पेशेंट की फैमिली उस तरह के फूड को यूजली अपने डाइट में रखे सब लोग के लिए, कि पेशेंट भी ले और घर के लोग लें। सेकेंडली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ये कि अगर सब लोग करते हैं, पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, तो वहां पे सबको फायदा होगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो एक्सरसाइज समय समय पे करें, मोटिवेट करें पेशेंट को, सुबह योगा करें, एक्सरसाइज करें। और थर्डली फिर आता है कि मेडिसिन के बारे में। अक्सर पेशेंट मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, कई बार सुबह खाना खाने के पहले